अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और अनबॉक्सिंग लेके आई हूँ। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें। ये ग्लैमरस फेस की वेबसाइट से मैंने ऑर्डर किए थे, जो इनकी आई थिंक छापरा ब्यूटी के नाम से है। तो आप इनके पेज पे जाएं इंस्टाग्राम के, वहीं से आप इनको डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें, छोटे छोटे भी, कुछ बड़े भी, जो मैं काफ़ी टाइम से लेना चाह रही थी, तो मैंने ये ऑर्डर किए हुए थे। आज आपके साथ अनबॉक्स करती हूँ इनको। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के और बहुत ही अफोर्डेबल इनकी रेंज है सारी। इनके पास एक दो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, एक तो ग्लैमरस फेस के नाम से है और दूसरा आई थिंक एक्वा लाइन के नाम से है, एक्वा कलर लाइन के नाम से। तो मैंने उसमें से भी कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे और बाकी जो हैं कुछ ग्लैमरस फेस के ही थे। तो मैं आपको वन बाय वन सारे खोल के तो वो दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की थी। अच्छा, सबसे पहले तो जी ऊपर ये पड़े हुए हैं जो स्पंजेस हैं। मैं ये बहुत मुझे पसंद है, स्पेशली क्राइलन की टीवी स्टिक्स टाइप या कोई भी क्रीम स्टिक्स जो होती हैं ना, उनको ब्लेंड करने के लिए मुझे ये वाले फ्लैट स्पंजेस बहुत पसंद हैं। ठीक है, इनको भी आप अच्छी तरह पहले वेट करके, तो अच्छी तरह से आप पेपर टॉवल से इनको ड्राई करें, ठीक है, पानी एक्सेस सारा सोक कर लें, तो फिर मुझे ये बहुत ही अच्छे लगते हैं उनसे ब्लेंड करने के लिए। जो ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं जो राउंड वाले, वो ज़्यादा मैं हर ब्रश से ही यूज़ करती हूँ फाउंडेशंस, लेकिन वो मैं बाद में यूज़ करती हूँ एक्सेस को टैप ऑफ करने के लिए, वो उसमें अच्छे रहते हैं। स्टिक के लिए ये बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। ठीक है, तो इनकी प्राइस ऑलमोस्ट 250 के ही होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल, बड़े रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो बाकी नेक्स्ट जी मेरे पास इनकी कुछ लिप पेंसिल्स जो हैं, इनकी कुछ मैंने ली थी, ये कुछ शेड्स हैं, एक वाइट ली थी, बाकी के ये डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं, कुछ एक्वा कलर लाइन की हैं और ये कुछ ग्लैमरस की हैं। इनके स्वॉचेस मैं इंशाल्लाह डिफरेंट एक सेपरेट वीडियो में दिखाऊंगी, ये वीडियो बहुत लंबी वरना हो जाएगी। तो बहुत ही खूबसूरत शेड्स इनके लग रहे हैं, ये मैं डेफिनेटली किसी और उसमें वीडियो में आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। फिर मैंने इनका ये ऑर्डर किया था है आईलाइनर पेंसिल, ये इनकी काफ़ी स्मूथ और अच्छी उसमें थी। अच्छा जी, ये जो इनकी आई पेंसिल है ना, ये थी तकरीबन 279 की। बहुत ही अच्छी लग रही है, काफ़ी क्रीमी लग रही है। लेट्स सी। अच्छा जी, डार्क साइड इनसाइड आईज वाटरप्रूफ आईलाइनर पेंसिल है ये। इस तरह से काफ़ी क्रीमी और पिगमेंटेड लग रही है, एंड यस, बहुत ही क्रीमी है, बहुत पिगमेंटेड है, बहुत जेट ब्लैक है ये। ठीक है, एंड ओनली 279 रुपीज़ की, इससे अच्छा और आपको क्या चाहिए, तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, ये मैंने इनका जो जेल आईलाइनर है ये मैंने मंगवाया, ये मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, ये मुझे एक एक्स्ट्रा चाहिए था स्पेयर, मैंने इसे मंगवाया था, तो इसको मैं ओपन नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको बताती चलूँ। ये बहुत बेहतरीन है, इतना लॉन्ग वेयरिंग है, ये इतनी जल्दी ड्राई भी नहीं होता और बहुत जेट ब्लैक है और बड़ा ही क्रीमी है। ठीक है, ये भी अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया हुआ ना, तो ये आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। ये सिर्फ 400 रुपीज़ का है, ठीक है, तो अगर आप इंग्लॉट का कंपेयर करें, ये उसका सही ड्यूप है और बहुत ही मुझे पसंद है, इसके साथ ब्रश भी आता है ऐसे, तो ये कि ये ईजी टू अप्लाई है और बहुत बेहतरीन, बड़ा लॉन्ग वेयरिंग है, आप इनसाइड भी आए भी इसको सेफली लगा सकते हैं और टॉप ऑफ दी आई भी आप इसको एज आईलाइनर जब यूज़ करें, तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, ज़रूर इसको आप ट्राई करें, ये इंग्लॉट का बहुत अच्छा ड्यूप है। ठीक है, बाकी मेरे पास इनका ये जो केक आईलाइनर है, ये भी मुझे एक और चाहिए था, मेरे पास ऑलरेडी ये ब्लैक में है, ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये भी ओनली 279 का था। अक्सर इनके सेल्स भी लगी होती हैं, आप लोग ज़रूर सेल्स में चीज़ें लिया करें, बहुत ही अफोर्डेबल रहती हैं, बहुत बेहतरीन रहती है प्राइस उनकी। अच्छा, ये सुपर ग्राफ लिक्विड आईलाइनर है, मैंने ये भी मंगवाया था, इसकी भी अच्छा जो आईलाइनर है मार्कर, ये इस तरह है, इतना ही छोटा मिनी साइज ही है, तो इसकी प्राइस थी 259 का था, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है, मैं इसको ओपन करती हूँ। अच्छा जी, ऐसे है ये, देखिए बहुत ही इसकी बेहतरीन और प्यारी टिप है, बहुत फाइन टिप है और बहुत ब्लैक है वैसे ये। तो मार्कर आईलाइनर्स ऑफ कोर्स हमेशा ही इजी टू अप्लाई होते हैं, जिन लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी होती है जेल आईलाइनर्स में, बिगिनर्स हैं आप, तो आप डेफिनेटली ये ले सकते हैं इस तरह का, ये सिर्फ 250 रुपीस का है, बहुत इजी है, देखिए फौरन ड्राई भी हो गया है और बहुत मैट है, तो बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अच्छा है, इसको ज़रूर ट्राई करें आप। नेक्स्ट है जी मेरे पास इनकी टेंट है, लिप एंड चीक मैजिक टेंट। अच्छा, ये जो थी इसकी प्राइस थी जी 479, और इसको आप जाहिर सी बात है यूज़ कर सकते हैं अपने एज अ टेंट, आपने जहाँ जहाँ भी अपने फेस पे यूज़ करना है, चीक्स पे, लिप्स पे, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं।
बड़ी अच्छी ट्यूब पैकेजिंग में है। लेट्स सी, रोज पिंक इसका शेड है जो मैंने लिया था। ओके, अच्छा ये तो वाइट है। लेट्स सी अब ये, यानी कि दैट मीन्स कि ये आपके कलर साथ वो हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी स्किन के साथ। अच्छा जी, ये टेंट जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता से वही पीएच इंड्यूस्ड है जो आपकी स्किन के साथ रिएक्ट करके तो हल्का सा टेंट छोड़ती है, ठीक है। तो आप इसको जैसे लिप्स पे भी हल्का सा अप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स ये आपको फ़ौरन बहुत ब्राइट सा टेंट नहीं देगी, ये इस तरह से आपकी स्किन के साथ रिएक्ट करके तो एक्टिवेट होती है और फिर ये हल्का सा लाइट सा आपकी एक ये टेंट दे देगी, ठीक है। अभी देखें आप, हल्का सा मेरे हैंड पर जो है पिंक कलर की टेंट है। तो ये इसलिए बहुत अच्छी होती है कि आपने अगर लाइट सा लगा लिया अपने चीक्स पे भी और सब, तो आप उसको छोड़ दें तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन को कलर दे देगी और ये नहीं होगा कि वो बढ़ता ही जाएगा, ऑफ कोर्स इतना ही रहेगा, लेकिन ये है कि एटलीस्ट जो नॉर्मल दूसरी टिंट्स होती हैं वो एकदम बाज दफ़ा बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाती हैं, तो उस अकॉर्डिंगली ये बहुत बेहतरीन है आपके लिए यूज़ के लिए। अगर आप चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि ये इतनी ईजीली वैसे उतर भी नहीं रही, मेरे हाथ पे भी अभी लगी हुई है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास इनका ये प्रो मेकअप प्राइमर है, ठीक है, ग्लो इन्हेंसर है। इसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट 679, यानी कि आपको ये 650-700 के दरमियान मिल जाता है, सेल में थोड़ा सा और लेस हो जाती है ऑफकोर्स प्राइस, तो हमेशा देखा करें कि आपको अगर सेल में मिल सकती हूँ चीज़ें तो ज़रूर लिया करें। ये मिस रोज़ के प्राइमर से वैसे काफ़ी सिमिलर मुझे लग रहा है, मैं इसको ट्राई करती हूँ, और प्राइस भी तकरीबन उसी तरह है, काफ़ी सिमिलर है उससे। मिस रोज़ का प्राइमर भी तकरीबन इतने का ही था, तो ये भी आपका जो है क्लियर है प्राइमर, और आप ये अंडर द फाउंडेशन लगा सकते हैं, किसी भी स्किन टाइप के लिए है ये, और बहुत बेहतरीन इसकी भी फिनिश है। ज़रूर ये फाउंडेशन के नीचे आप अप्लाई करेंगे तो आपकी काफ़ी स्मूथ और फ्लॉलेस एप्लीकेशन होगी। बहुत नाइस है और बहुत अफोर्डेबल है, जो लोग देखना चाह रहे हैं अफोर्डेबल रेंज उसमें आप ये भी ट्राई कर सकते हैं ज़रूर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी मेरे पास ये ग्लैमरस फेस वालों की एक्वा बेस मेकअप, जो इनका ये पैनकेक होता है एक्वा बेस्ड, ये वो वाला है, ठीक है। ये 465 का है और मैंने इसमें शेड लिया है 45, ग्लैमरस फेस का 45, ठीक है। तो ये जैसे क्राइलन में भी आते हैं, क्रिस्टीन में भी आते हैं, अब तो मतलब कितने ही ब्रांड्स ने ये सारे निकाल लिए हुए हैं इनके टाइप के पैनकेक्स, तो ये के बहुत अच्छे रहते हैं ये एप्लीकेशन। अच्छा, इसको ओपन करने का तरीका होता है, यहाँ सेंटर से इसको आप प्रेस करते हैं ना, तो ये ऐसे ओपन हो जाता है। अच्छा, इसका भी कलर वैसे बहुत ही अच्छा है। अब ज़रा इसकी एप्लीकेशन मैं आपको सेपरेटली किसी एक वीडियो में कंपेयर करके क्राइलन वाले के साथ दिखाऊंगी। बहुत ही मैट और बेहतरीन लग रहा है। ज़रा ये वाटर एक्टिवेटेड होते हैं, लेकिन ये 45 के नस्बत ना ये मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा है कलर, जो नॉर्मल क्राइलन के और बाकी सबके 45 शेड्स है ना उनकी नस्बत है, मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा है, लेकिन स्टिल मैं इसको प्रॉपर अप्लाई करके जैसे हम वाटर के साथ एक्टिवेट करके करते हैं, मैं उस तरह से ज़रूर ट्राई करके एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, तो ईजी हो जाएगा। अच्छा, इसकी प्राइस जो है पैनकेक की ये 465 का था। नेक्स्ट मेरे पास ये एक्वा कलर लाइन, जो इनका एक सिस्टर ब्रांड ही है, उसके मेरे पास ये फाउंडेशन स्टिक है जो क्रीमी स्टिक होती है, ये भी क्राइलन की ड्यूप है आप कह रहे हैं, ये ग्लैमरस फेस में भी आती हैं, क्रिस्टीन के पास भी यही इसी तरह की स्टिक फाउंडेशंस हैं। फुल कवरेज है, मैट फाउंडेशन है और इसकी प्राइस है जी 449, ठीक है। मैंने इसमें शेड ऑर्डर किया था 38, क्योंकि बस दफ़ा आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होता पिक्चर्स देख के कि जी ये किस तरह की होंगी। अच्छा, इसकी तो पैकेजिंग भी बिल्कुल क्राइलन जैसी ही है, 38, वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी हैं, बहुत बेहतरीन लग रही हैं। देखिए इसकी ऐसे है कलर, अच्छा 38 बहुत अच्छा कलर है, ये काफ़ी क्राइलन से ना मुझे क्लोज लग रहा है, सिमिलर लग रहा है। मैं आपके साथ ज़रूर एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ बहुत जल्द, स्टे ट्यून्ड, जिसमें मैं आपको सारी जो मेरे पास स्टिक फाउंडेशंस की रेंजेस है ना, मैं वो आपका कंपेयर करूँगी शेड्स, ताकि आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि आप जो क्राइलन में यूज़ करते हैं आपको बाकी स्टिक फाउंडेशंस में कौन कौन से शेड्स वो यूज़ करने हैं या लेने हैं, ठीक है। तो ये खैर बहुत अच्छी है, बड़ी क्रीमी और अच्छी लग रही है, ब्लेंडेबल है बहुत और पिगमेंटेड भी है, तो ऑफकोर्स अच्छी फुल कवरेज देगी, नाइस ड्यूप, और आपको 400-500 में और क्या चाहिए, बहुत ही अच्छी है, इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी है।
नेक्स्ट मैंने ये एक्वा कलर लाइन की ही फाउंडेशन ट्राई करनी थी. मैंने ये ली है अल्ट्रा ब्राइटली ट्रिम लास्टिंग मेकअप नरिशिंग लिक्विड फाउंडेशन. ठीक है, इसमें जो मैंने शेड लिया है वो शेड नंबर 3 है. इसको खोलते हैं. इसकी प्राइस थी जी 619. पैकेजिंग बहुत प्यारी है इसकी, बहुत लग्जरी ग्लास बॉटल है, बेहतरीन. और इसमें SPF भी है. तो लेट्स ट्राई. अच्छा, बहुत अच्छी पंप वाली बॉटल है इसकी. तो लेट्स ट्राई कि इसका शेड कैसा है. शेड नंबर 3 है ये. तो काफ़ी अच्छी इसकी फिनिश है, वेरी नाइस. शेड भी बहुत प्यारा है और बहुत ही अच्छी इसकी कवरेज है, बहुत अच्छी. यू गाइस शुड मस्ट ट्राई क्योंकि ये इतनी अच्छी लग रही है. 600 की है, वाई नॉट, आप ट्राई कर सकते हैं इसको ज़रूर. ये आप कह रहे हैं कि मिस रोज़ की फाउंडेशंस भी ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंज में होती हैं, तो वाई नॉट आप अगर ट्राई करना चाहें, बहुत बेहतरीन है. और आई थिंक ये ड्यूई फिनिश में रहेगी, ये मैट नहीं है बहुत, तो आपके लिए विंटर्स में तो बहुत अच्छी रहेगी. ठीक है, इसमें साथ SPF भी है तो आपकी उससे भी काफ़ी अच्छी वो कवर हो जाती है. ज़रा आपने सनस्क्रीन आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी है. नेक्स्ट मेरे पास ये इनकी फाउंडेशन है, एक्वा कलर की ही है. ये 24 आवर्स लास्ट फुल कवरेज है. ठीक है, ये फुल कवरेज फाउंडेशन है इनकी. इसमें मैंने शेड नंबर 3 ही लिया है, SPF है इसमें. तो आए इसको भी चेक करते हैं. अच्छा, इसकी प्राइस भी 629 है. ठीक है, ये कलर मुझे इससे थोड़ा सा डार्क लग रहा है. ठीक है, लेट्स सी, लेट्स ट्राई. फुल कवरेज है और क्या चाहिए आपको फाउंडेशन. अगर इतनी अच्छी प्राइस में आपको फुल कवरेज मिल रही है तो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए. हाँ जी, ये थोड़ी सी उससे डार्क है. अच्छा, पहली वाली भी देखें थोड़ी स्लाइटली सी ऑक्सीडाइज हो गई है, लेकिन बहुत प्यारा कलर है, मेरी स्किन से तो बिल्कुल मैच कर गया है. और ये वाला जो है, ठीक है, ये थिक है उससे, आई कैन टेल कि ये फुल कवरेज है और थोड़ी लॉन्ग वेयर और मैट भी होगी. तो आप देखें इसकी भी फिनिश बेहद अच्छी है. आई एम इम्प्रेस्ड एक्वा कलर की, एक्वा कलर लाइन में इतनी अच्छी फाउंडेशंस आ गई हैं, वेरी नाइस. पाकिस्तानी ब्रांड्स ने इतना इम्प्रूव किया है, इतनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स आ गई हुई हैं, लिटरली लाइक मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है. मेरा बहुत दिल करता है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें. तो ये बहुत बेहतरीन लग रही है फाउंडेशन, है लॉन्ग वेयरिंग है. इसको मैं ट्राई करूँगी फेस पे तो फिर मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हूँ, इसका रिव्यू कर सकती हूँ. अभी तो मैंने खैर इसको खोला, मुझे फाउंडेशन बहुत अच्छी लग रही है. ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास इनका प्रोफिक्स जो स्प्रे है, 12 आवर्स सेटिंग स्प्रे है, ऑयल कंट्रोल है. इसकी प्राइस जो है वो 500 समथिंग थी, 579 जी. तो ये देखें जी, ये इसका स्प्रे है, ऐसे वाइट कलर की बॉटल है, प्रोफिक्स के नाम से. ऑयल कंट्रोल मेकअप फिक्सिंग है, फिक्सर है जी. तो बहुत अच्छा इसका भी मिस्ट है, फाइन मिस्ट है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. ये यकीनन बहुत अच्छा कंट्रोल भी करेगा आप में. अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास इनकी ना एक्वा कलर लाइन की ही मैंने पाउडर फाउंडेशन ली है, जो मैट पाउडर फाउंडेशन है ना इनकी. मैंने सोचा मैं ये भी ट्राई करके देखूं. ये 429 की थी और देखिए हलाल भी लिखा गया था. हाँ, नेचुरल पर्ल इसका कलर है, क्योंकि शेड्स जो ऑनलाइन दिए हुए थे ना उन्होंने मुझे चूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी. अच्छा, ये थोड़ा शिमर में है और ये काफ़ी बॉक्स में जो है ना निकला हुआ है, थोड़ा सा लीक हुआ है. अच्छा, ये इस तरह से मैं आपको बाहर से भी दिखाऊं थोड़ा सा कि ये इस तरह, इसमें हल्की सी शिमर है. ये है तो मिनरल फाउंडेशन, मिनरल पाउडर है, तो ऑफ कोर्स इसको थोड़ा सा अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट होता है. काफ़ी मेसी हो रहा है, ये हल्का सा शिमर है इसके अंदर. ठीक है, तो ये इस तरह है इसका शेड और बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी. मिनरल पाउडर्स को हमेशा ऐसे ही होना चाहिए, थोड़े से मतलब थोड़े से होते हैं, ऐसे थिक होते हैं, बहुत फाइन नहीं होते जैसे हमारे लूज सेटिंग पाउडर्स होते हैं ना, ये उस तरह नहीं होते. तो इस तरह से देखिए इसकी कितनी अच्छी कवरेज लग रही है. ये तो वाटर के साथ एक्टिवेट करके इसकी पेस्ट बना के, तो ये तभी अप्लाई करके ज़्यादा बेहतर पता चलेगा. मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ये जैसे शेफर की फाउंडेशन है ना, जो मिनरल पाउडर फाउंडेशन है उनकी, ये उसका ही ड्यूप मुझे लग रहा है. बहुत अच्छा, इसमें हल्की सी शाइन भी है. अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास इनका ये मिनरल पाउडर है, लूज फिक्सिंग पाउडर है, जो कि मैंने TL11 शेड में लिया है. स्पेशली इसलिए कि मैं क्रायलॉन के जो TL11 शेड है उसके साथ मैं इसको कंपेयर कर सकूँ. बहुत ही अफोर्डेबल था ये था तकरीबन 489 रुपीज़ का, जबकि क्रायलॉन का तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया हुआ है अब.
इसको खोलते हैं, पैकेजिंग, साइज़ सब कुछ बिल्कुल उसी तरह लग रहा है मुझे। और इवन मुझे लगता है कि इसकी जो शेड है इसका TL11 वो भी शायद वैसे ही है बिल्कुल। इसको ओपन करती हूँ। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इसको लिड में डाला है, मैंने कहा मैं ट्राई कर लूँ। यस, इसका पाउडर की फिनिश भी बिल्कुल उसी तरह लग रही है मुझे, और ये यकीनन बहुत अच्छा सेट करेगा। आप देखें बहुत ही अच्छा है, और देखें अफोर्डेबल है इतना कि आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी आपको मिल रही है तो और क्या चाहिए आपको ना। तो ये है कि इसका शेड भी बहुत प्यारा है, ऑलमोस्ट उसी तरह जैसे क्राइलन का शेड है मुझे वैसे ही लग रहा है। जो लोग अफोर्डेबल रेंज में देखना चाह रहे हैं पाउडर्स वो यकीनन ये ट्राई कर सकते हैं। इट्स वेरी नाइस। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास इनकी बहुत ही खूबसूरत आई शेडो पैलेट्स हैं, आई शेडो और ब्लशर पैलेट हैं, जो मैंने ली थी शेड 02 में। 16 आई शेडोज हैं इसमें, एक ब्लशर है, एक हाइलाइटर है, एक ब्रॉन्जर है। तो ये देखते हैं जी, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, अच्छी पैकेजिंग है इसकी, अच्छी उन्होंने साथ सिक्योर भी की हुई है काफ़ी। देखें कितने खूबसूरत शेड्स हैं इसमें। अच्छा, इसमें सारे शिमर शेड्स हैं सिवाय एक ये ब्राउन के जो मैट है, और एक ये ब्लैक, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप देखें एक पैलेट में हमें यही चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें मोस्टली ब्राउन कलर्स ही चाहिए होते हैं क्रीज के लिए, और ब्लैक कलर हमें आउटर कॉर्नर्स के लिए चाहिए, तो बाकी हमें सब शिमर्स ही चाहिए होते हैं। तो ऐसी पैलेट बड़ी मुश्किल से मिलती है जिसमें आपके ज़रूरत वाले मैट शेड्स भी हों और साथ बाकी के सारे शिमर्स हों, और ये आपके ब्लशर्स और हाइलाइटर्स हैं जो कि बहुत ही मुझे अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ। सबसे पहले तो ये मैट शेड बहुत पिगमेंटेड है, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, बाकी मैं इनके ट्राई करती हूँ जो शिमर शेड्स हैं। देखिए बहुत प्यारा शिमर है, बहुत खूबसूरत। ठीक, फिर हम इसका जो लाइटर है एक शेड वो भी ट्राई कर लेते हैं, जो वाइट आप इनर कॉर्नर्स में लगा सकते हैं। इसको आप इसको हाइलाइटर ब्राउ बोन में हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस पैलेट की प्राइस ना 1100 थी। बाकी मैं ये इनके जो ब्लशर्स हैं ना, मेरा ये दिल जा रहा है, वाओ वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत कलर्स है। देखिए ये थोड़ा पीची शिमरी सा है, इतना अच्छा लगता है ना ऐसे शेड्स हैं वो चीक्स पे, ये थोड़ा पिंकी सा है, वेरी नाइस। आप इसको एज ब्लश टॉपर्स, एज हाइलाइटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको ऑन इट्स ओन भी लगा सकते हैं। बहुत नाइस है, बहुत ही खूबसूरत पैलेट है। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैंने ये ऑर्डर कर ली थी। एक और मैंने इसमें ये वाली की थी ऑर्डर जो थोड़ी कलरफुल थी पैलेट, मुझे था कि थोड़े से कलर्स भी ऐड हो जाएंगे, तो मैं ये भी ले लेती हूँ। इसमें मैंने ये शेड 01 लिया था, यस, और ये भी 1100 की ही है। तो ये रेंज इनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मुझे पहले भी ग्लैमरस के जो आई शेडोज हैं वो बहुत पसंद हैं, बहुत ही अफोर्डेबल और अच्छी रेंजेज हैं इनकी सारी ही मेकअप में। तो ये देखें जी, इसमें सारे मोस्टली मैट शेडोज़ हैं और कलर्स हैं, ठीक है, कलर कलरफुल हैं सारे। तो मैट का ये फ़ायदा होता है ना कि देखें आप पहले अपनी लिड पे इनको अच्छे से लगा दें, उसके बाद आप इसके ऊपर कोई भी शिमर्स या ग्लिटर्स ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आपके पास देखें सारे इंटेंस ये कलर्स हैं, और मैट आपके पास इसमें ब्लशेज भी आ गए। ठीक है, मैं ब्लशेज भी ट्राई करती हूँ। देखें बहुत ही प्यारे ब्लश के भी शेड्स हैं, ये कॉन्टोर है, ब्रॉन्जर है, बहुत नाइस। इसी तरह जो है ये मैं कि ये शेड ट्राई करती हूँ, इसमें बहुत ही पिगमेंटेड है, वेरी नाइस। और ये 1100 की थी ये भी पैलेट, बहुत अच्छी मुझे क्वालिटी लगी है इनकी, बहुत ज़बरदस्त अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं। आप लोगों ने नहीं ट्राई किए तो आप ज़रूर ग्लैमरस के प्रोडक्ट्स ट्राई करें। आप इनके इंस्टाग्राम के पेज पे जाएं, वहीं से इनकी वेबसाइट का लिंक खुलता है, आपको ईजिली सारे ये प्रोडक्ट्स वहाँ से मिल सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।